बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए यूनिक सी रेसिपी लेकर आए हैं, वेजिटेबल कटलेट्स। इसमें जो चीज़ें चाहिए, ये मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, इनको बॉयल करके मैंने इस तरह से कटिंग करके रख लिया। इसके बाद 4 टेबलस्पून मैदा इसमें जाएगा, 1 टेबलस्पून जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया ये मस्टर्ड पाउडर, नमक हसबे ज़रूरत इसमें जाएगा, ओरिगानो इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्चों का पाउडर, ये ग्रीन प्याज है 1 टेबलस्पून तकरीबन, हरी मिर्चें इसमें जाएंगी, थोड़ा सा धनिया जाएगा। 1 बाउल भर के मैंने लिया है बंद गोभी, इसको बारीक मैंने चॉप कर लिया इस तरह, शिमला मिर्चें इसमें जाएंगी, ये भी 1 बाउल भर के मैंने लिया, गाजर ली है मैंने, ये भी 1 बाउल भर के मैंने लिया है और इनको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया। मटर मैंने लिए हैं एक बाउल भर के मैंने मटर लिए हैं, इनको भी मैंने हल्का सा बॉईल करके रख लिया। ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे फ्राई के लिए और अंडा हमें चाहिए होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैंने पैन चूल्हे पर रख दिया, मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैंने बटर डाल दिया, बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, इसमें मैदा डाल दूँगी, थोड़ा सा इसको भून लूंगी मैं इस तरह से। मस्टर्ड पाउडर चला जाएगा इसमें, नमक चला जाएगा, काली मिर्चों का पाउडर चला जाएगा, ओरिगानो चला जाएगा, अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसमें पानी डाल के इसको मैं सॉस बना लूंगी। मैंने इसमें पानी डाल के 1 से 1.5 कप पानी डाला है, मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया ताकि इसमें लम्स ना हो। अब मैं इसमें ये कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दूंगी, आपको अगर पसंद ना हो तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो काली मिर्चें ही रहने दें। अब इसका हम थोड़ा सा थिक सॉस बना लेंगे। सॉस हमारा गाढ़ा हो गया, हमें इतना ही गाढ़ा सॉस चाहिए। अब मैं इसमें तकरीबन सारी वेजिटेबल डाल दूंगी, चूल्हा बंद कर दूंगी। धनिया हरा प्याज भी चला जाएगा साथ ही, हरी मिर्चें चली जाएंगी, एंड पे मैं पोटैटो डाल दूंगी इसमें। कबाब मैंने कटलेट्स इस तरह से बना लिए, स्क्वायर शेप में, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी बना लें। अब मैं इसको अंडे में डिप करके इस तरह से ब्रेड क्रम्स में इस तरह से रोल कर लूँगी। सारे इस तरह तैयार करके मैं रख लूँगी। मैं इसको हल्का सा ऑयल डाल के शैलो फ्राई करें, आपकी मर्ज़ी, आप लोग ज़्यादा घी में फ्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। माशाल्लाह से रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई है, देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और क्रिस्पी भी लग रहे हैं। देखिए,
टेस्ट करके भी बताते हैं। रिमास जी मम्मा, ये ले टेस्ट कर। बहुत मजेदार। चले अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और अपना बहुत ख्याल रखें। दुआ है कि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बने। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।